नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। इसमें कोई शक नहीं, पिछले दिनों सबसे बड़ी खबर जो रही है वे इजरायली स्पाईवेयर पेगासस से जुड़ी और उसका इनडिस्क्रिमिनेट यूसेज, उसकी खबर सबसे अहम रही है। दुनिया के कई देशों में इस डिस्क्लोजर को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। हिंदुस्तान उन देशों में से एक है। फिलहाल डिबेट पॉलिटिकल हलकों तक मेनली सीमित है। जनता को इस मुद्दे की सीरियसनेस समझ में अभी तक नहीं आई है। The collaborative investigation involves more than 80 journalists from 17 media organizations in 10 countries. The project was coordinated by Forbidden Stories, a France-based not-for-profit media organization. The Pegasus project received technical support from the Amnesty International's Security Lab. इस शोध के अनुसार एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके व्यापक गैर कानूनी सर्वेलेंस किया गया है। जिनका फोन हैक हुआ उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन या हनन हुआ है। ये खुलासा काफी जेम्स बॉन्ड नुमा है। फर्क बस एक है, इयान फ्लेमिंग का जो जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर था वो अपना मुल्क ब्रिटेन को दूसरे खुफिया एजेंसी से बचाने के लिए उसके एक्टिविटीज होते थे। इन कॉन्ट्रास्ट द पेगासस स्पाईवेयर हैज बीन यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू स्पाई ऑन इट्स ओन पीपल। भारत में पहली बार सारे के सारे चार स्तंभों की लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया All were pried upon. Sophisticated spyware के उपयोग द्वारा निगरानी रखी गई सारे branches of the state पर। ये Pegasus के साथ भारत का पहला encounter नहीं है। October 2019 में पता चला था कि भारत में कम से कम 2 dozen पत्रकार, वकीलों और activists पर मई 2019 के पहले के कुछ हफ्तों में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उन पर निगरानी रखी गई थी। आपको शायद याद होगा मई 2019 में लोकसभा के चुनाव आए थे जिसमें ये सरकार पुनः मैंडेट लेकर वापस आई थी। अक्टूबर 2019 में व्हाट्सएप, जो एक फेसबुक ओन्ड कंपनी है, उसका बयान उल्लेखनीय है। इन मई 2019 उन्होंने कहा, वी स्टॉप्ड अ हाईली सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक दैट एक्सप्लॉइटेड आवर वीडियो कॉलिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू सेंड मैलवेयर टू मोबाइल डिवाइसेस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ व्हाट्सएप यूजर्स। हिंदुस्तान में इस डेवलपमेंट की रिपोर्टिंग सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस अखबार में हुई। While WhatsApp declined to reveal the identities and exact number of those targeted for surveillance in India, Indian Express mein chapa tha, its spokesperson told the Indian Express that WhatsApp was aware of those targeted and had contacted each one of them. The WhatsApp spokesperson told journalist Seema Chisti, who was then with the Indian Express, Indian journalists and human rights activists have been target of surveillance, and while I cannot reveal their identities and the exact number, I can say that this is not an insignificant number. Isse pehle, September 2018 mein Canada-based digital watchdog Citizen Lab ne Bharat sahit 45 deshon mein pehchane gaye 36 पेगासस ऑपरेटर्स में से 33 में इंफेक्शन पाया था।
एनएसओ ग्रुप पेगासस स्पाइवेयर इस कंपनी का प्रोडक्ट है। दावा करता है वह केवल सरकार और सरकारी जांच एजेंसीज को अपना प्रोडक्ट यानी कि वो स्पाइवेयर बेचता है। टिल नाउ देयर हैज बीन नो डिनायल फ्रॉम आइदर द गवर्नमेंट और द एनएसओ दैट इट इज नॉट अ क्लाइंट और डज नॉट यूज पेगासस। एनएसओ अपने बयान पर कायम है, केवल सरकारें, विशेष रूप से लॉ एनफोर्समेंट और खुफिया संगठन उनके ग्राहक हैं, कोई निजी यानी कोई प्राइवेट एंटिटी उसके कस्टमर्स नहीं हैं। हालांकि सर्वेलेंस पर अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से काफी पब्लिक इंटरेस्ट है, लेकिन इतिहास में स्टेट द्वारा निगरानी हमेशा से रही है। इन मॉडर्न इंडिया द कॉलोनियल गवर्नमेंट सिक्योर्ड द पावर टू इंटरसेप्ट कम्युनिकेशंस विद द रेगुलेशन ऑफ टेलीग्राफी। 1854 और 1860 में टेलीग्राफ नियंत्रित करने के लिए दो कानून लाए गए थे। सरकार को किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की घटना पर टेलीग्राफ कंट्रोल करने के पावर्स दिए गए थे। 1876 में थर्ड टेलीग्राफ कानून ने सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी इसको शामिल किया गया, कानून का दायरा और बढ़ाया गया। यही वेग फ्रेजेस और उनके इंटरप्रिटेशन, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस, सरकार के डिस्क्रिशन पर अभी भी चलते हैं। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में आप सब जानते हैं कि इसका कैसे इस्तेमाल रेगुलरली इंडिया में अभी भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को ठीक करने के लिए किया जाता है। चौथा कानून इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 इसी वेगनेस को बरकरार रखा गया। इस कानून के अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 ये दूसरा कानून है जिसके तहत सभी ऑफिशियल सर्वेलेंस या निगरानी इसकी की जाती है। टुडे दीज लॉज एनेबल द गवर्नमेंट टू मॉनिटर ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एनी सिटीजन इफ इट सो विशेस। द टेलीग्राफ एक्ट डील्स विद द इंटरसेप्शन ऑफ टेलीफोन कॉल्स एंड द आईटी एक्ट प्रोवाइड सैंक्शन फॉर सर्वेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। हिंदुस्तान में फोन टैपिंग का बहुत पुराना इतिहास है। दिवंगत पत्रकार इंदर मल्होत्रा ने 2006 में इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही रेवलेटरी आर्टिकल लिखा था। इंदर मल्होत्रा ने अपने आर्टिकल में लिखा था, इन इंडिया टैपिंग ऑफ टेलीफोन्स हैज बीन एंड कंटिन्यूज टू बी द रूल रादर देन एन एक्सेप्शन। ऑल गवर्नमेंट्स irrespective of their political hue have done it, blandly denying having done it and have got away with it. Rafi Ahmed Kidwai, jo Nehru ke kafi kareeb mane jate the, according to Malhotra, he suspected with good reason that his phone was being tapped other at the instance of none other than Sardar Patel, आइकन ऑफ टुडेज पॉलिटिकल रेजिम। फोन टैपिंग से बचने के लिए रफी अहमद किदवई ने एक बहुत ही इनोवेटिव मेथड अपनाया। एज मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, मल्होत्रा ने लिखा, ही सिंपली ट्रांसफर्ड टू हिमसेल्फ द जनरल टेलीफोन एट द एआईसीसी हेडक्वार्टर्स एंड डायरेक्टेड हिज फैमिली टू कीप द ऑफिशियल फोन बिजी विद डिस्कशंस ऑन डिनर मेन्यू एंड फैमिली अफेयर्स। 1959 में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उस समय के जनरल के एस थिमैया, उनको यकीन था कि दैट बोथ हिज ऑफिस एंड द आर्मी हाउस वर बीइंग बग्ड। अकॉर्डिंग टू मल्होत्रा, थिमैया सॉट द हेल्प ऑफ वन ऑफ हिज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट्स टू स्वीप एंड डिबग द प्रीमाइसेस। 1962 में
जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल के पावरफुल मंत्री टीटी कृष्णमाचारी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका फोन टैप हो रहा है। उन्होंने नेहरू युग के दौरान के इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो डायरेक्टर थे बीएन मलिक को इसका दोषी ठहराया। सब जानते हैं राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उनकी राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से नहीं बनती थी, रिश्ते अच्छे नहीं थे। मल्होत्रा फर्दर रोट दैट द बगिंग ऑफ मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिकल ओपोनेंट्स वाज अ स्मॉल मैटर। एटलीस्ट वन प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ज्ञानी जैल सिंह ही कुड बी ब्रेजनली बग एंड ऑल हिज फोन्स वर बीइंग टैप्ड। उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर एम के धर थे। मल्होत्रा गेव डिटेल्स फ्रॉम व्हाट धर टोल्ड हिम ऑफ दिस मर्की ऑपरेशन इंक्लूडिंग द डिलाइटफुल नगेट दैट द बगिंग डिवाइस वाज एक्चुअली ऑन द रूफ ऑफ द पीएमओ। धर ने मेनका गांधी की मां अमतेश्वर आनंद उनके जोरबाग वाले रेसिडेंस में भी खुद पर्सनली जाके वो बगिंग डिवाइस लगाने की बात की थी। 1988 में एक बड़ा खुलासा सामने आया था। कर्नाटका में रिबेल जनता पार्टी के एमएलएज और कई पत्रकारों को उनको उनके फोन टैप किए जा रहे थे। हेगड़े के पास और कोई चारा नहीं था, उन्होंने नैतिक आधार को साइट करते हुए इस्तीफा दिया, रिजाइन करना पड़ा। इतनी पुरानी ट्रेडिशन के बावजूद किसी भी नेता ने फोन टैपिंग के मौके नहीं छोड़े। 1989 में वीपी सिंह और देवीलाल ने मिलकर चंद्रशेखर को मात दी। थोड़े ही दिनों में चंद्रशेखर ने कहा कि मेरा फोन टैप हो रहा है। नवंबर 1990 में कांग्रेस के मदद से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए। चार महीने के अंदर फरवरी 1991 में उनकी सरकार गिर गई। द फॉल ऑफ द चंद्रशेखर गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो ड्यू टू अ सर्वेलेंस रिलेटेड इशू। राजीव गांधी हु हैड मेरिली टैप्ड इनटू जैल सिंह एंड ऑल हिज डिवाइसेस नाउ फाउंड द शू ऑन द अदर फुट। टू पुलिसमैन बिलोंगिंग टू द हरियाणा सीआईडी दे वर एलिजिबली कीपिंग ट्रैक ऑफ राजीव गांधीज हाउस। They were spotted by Congress workers outside. चंद्रशेखर ने जेपीसी की जांच की बात की, प्रॉमिस किया राजीव गांधी को कि जेपीसी बनाएंगे, लेकिन राजीव गांधी नहीं माने। सरकार गिर गई, चुनाव हुए और चुनाव के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई। हिंदुस्तान की राजनीति एक अलग ही दिशा पर चल पड़ी। इन 1997 आई के गुजराल एज द प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर्ड अ सीबीआई प्रोब इनटू द लीक ऑफ ऑडियो टेप कॉन्वर्सेशंस ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट नस्ली वाडिया रतन टाटा एंड केशव महिंद्रा। यह मामला उल्फा द्वारा चाय बगान में उद्योगपति मालिकों से एक्सटॉर्शन से जुड़ा हुआ मामला था। द इंक्वायरी वॉज क्लोज एंड नो वन knows even now that what really happened or who was extorting whom. 2009 mein Neera Radia case mein politicians, businessmen, journalists ke naam aaye the. Bahut bada scandal hua tha. Uska bhi kuch further investigation nahi hua. Tapping ke incidents anginat hain. Hamesha lekin ye sirf political karanon se nahi hota hai. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो स्नूप गेट वो केस उछला था। अमित शाह का नाम भी उससे जुड़ा हुआ था। कहा गया था कि निजी कारणों से उस युवती का फोन टैप हुआ था, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस बंद हो गए। बट द इश्यू ऑफ पेगासस इज कंप्लीटली डिफरेंट। वर्तमान मामले में सर्वेलेंस आइडियोलॉजिकली ड्रिवन है। संविधान भारत के नागरिकों को थॉट
स्पीच और एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता की गारंटी करती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है। मोबाइल्स के युग में स्मार्टफोन्स को पुराने जमाने के जो लैंडलाइंस के जो बड़े बड़े हैंडसेट होते थे उनसे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मोबाइल फोन्स इन टुडेज टेक ड्रिवन लाइफ फंक्शन एज वर्चुअली द ऑल्टर ईगो ऑफ एन इंडिविजुअल। उसे हैक कर लो तो आप सब कुछ जान जाएंगे उस व्यक्ति के बारे में। कोई शक नहीं है कि पेगासस का इस्तेमाल लोगों के जीवन को हैक करने के लिए किया गया है। यह सब कानून के सीमाओं के बाहर नागरिकों के प्राइवेसी को वायलेट करने के लिए किया गया है। सर्वेलेंस हैज बीन सिस्टमैटिकली पार्ट ऑफ द इंडियन लाइफ फॉर अबाउट 150 years, लेकिन स्टेट इंट्रूजन एक नई लेवल पर पहुंच गई है। ये हमको समझना पड़ेगा। पेगासस का जो इशू है ये हर एक को हम आपकी जिंदगी को टच करता है। नमस्कार।